पहले तो मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टुडे. हिस्ट्री हैज बीन क्रिएटेड, द फर्स्ट एवर मेडल इन. थैंक यू सर, थैंक यू सर. एक्चुअली जब लॉकडाउन हुआ तो हम लोग घर पे थे, मैंने टारगेट घर पे मंगवा लिया था, तो क्योंकि गांव में घर थोड़ा खुला है तो अंदर पे प्रैक्टिस करता था. लेकिन फिर जब सुनने में आया कि पैरालंपिक्स हैं, जो वो ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स एक साल के लिए पोस्टपोन हो गए हैं, तो थोड़ा निराश तो हुए, लेकिन उस चीज को पॉजिटिवली लिया कि चलो हमें एक साल और ज्यादा मिल गया कैरी करने के लिए. तो उन दिनों खेत भी खाली होते थे, गेहूं की कटाई हो चुकी थी, तो मैंने अपने भाई और पापा को बोल के, उन्होंने ट्रैक्टर से मुझे अच्छा ग्राउंड बना के दिया वहाँ पे, तो मैंने वहाँ पे टारगेट सेट किया. सुबह शाम में वहाँ पे प्रैक्टिस करता था. उसके बाद थोड़ा कैंप लग गया था कुछ महीने बाद, लेकिन अभी जब कोविड की दूसरी लहर आई तो फिर लॉकडाउन था, तो मैंने फिर कहीं और प्रैक्टिस करने से अच्छा हमारा कैंप ब्रेक हुआ, तो मैंने सोचा कि मैं घर पे सेफ रहूंगा, बाहर निकलना मिलना जुलना बंद था मेरा, और मैं दोनों टाइम ग्राउंड पे ही प्रैक्टिस करता था अकेले. दो छोटे बच्चे हैं, वो भी मुझे देख के वहाँ पे प्रैक्टिस करने लग गए थे मेरे साथ, चलो उनका साथ बना रहता था, तो बहुत अच्छा रहा. उसके बाद जून में हमारा कैंप दोबारा लग गया था, तो ये सब चीजें हुई स्टेप बाय स्टेप. बहुत सारी और भी मतलब हैं, लेकिन सब अड़चनों को पार करते हुए आज हम यहाँ तक पहुंचे और ये मेडल जीता. एक्चुअली सर, शूट ऑफ मैं जब ग्राउंड में भी होता हूँ, जहाँ मैं जब मुझसे सलाह मांगी जाती है कि हरविंदर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, मैं कोचेस से बात करता हूँ, तो मैं शूट ऑफ को प्रेफर करता हूँ, क्योंकि हम प्रैक्टिस में भी थे. यहाँ तक कि जिस दिन मेरी लास्ट दिन की प्रैक्टिस थी, गौरव सर ने मुझे वहाँ पे शूट ऑफ करवाए, उन्होंने मुझे तीन शूट ऑफ करवाए और मैंने तीनों के तीनों 10 मारे, तो उस चीज का कॉन्फिडेंस था. और पैरा एशियन गेम्स में जब मेरा मेडल था, उसमें मेरे एक ही मैच में 2 शूट ऑफ हुए थे, मैंने 10 और एक्स मार के वो मैच जीता था. और अभी यहाँ पे जो हुए, तो यहाँ पे भी मेरे अभी 3 शूट ऑफ हुए, जो तीनों मैंने जीते, तो अभी सब शूट ऑफ मास्टर कह रहे थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था कि चलो कोई टैग मिला हमें. उससे पहले जो मेरा सेमीफाइनल था, तो उसमें मैं लास्ट एंड में हार गया था, तो उसके बाद मुझे था कि चलो अभी खोने को कुछ, सिर्फ मतलब ब्रॉन्ज मेडल मैच है, तो अभी मैं इसको नहीं खो सकता, तो थोड़ा खुद स्ट्रांग होके मैच में गए. कुलदीप सर मेरे साथ थे, जो मेरे कोचेस थे, जीवन जोत सर और गौरव शर्मा सर, उनके जो निर्देश थे उन सबका पालन किया. कुलदीप सर मेरे पीछे खड़े थे, तो उस टाइम जब ये मैच चल रहा था, इसमें भी मैं शायद इससे एक राउंड पहले भी जीत सकता, लेकिन वो मेरा एक एरो 7 गया, जबकि 8 मुझे जीतने के लिए चाहिए था. तो फिर मुझे लगा कि शायद मुझे अभी ढीला नहीं पड़ना चाहिए जब तक कि मैं जीत नहीं जाता, क्योंकि बहुत सारी चीजें दिमाग में चल रही होती हैं उस टाइम, और इतनी भावनाओं को कंट्रोल करना पड़ता है जब आपने वो खींचा हुआ होता है, एरो निकलने वाला होता है, तो उस टाइम बहुत कुछ आता है दिमाग में. तो उन सब चीजों को कंट्रोल करके मैंने शूट किया, और डेफिनेटली जो शूट ऑफ था वो मैंने मैक्सिमम मार्क्स जो थे वो ओपन किए, तो इस बात की खुशी है. आप PhD इन इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, तो इन मतलब पढ़ाई और इतना प्रेशर स्पोर्ट का, दोनों को मैनेज करने में मतलब कैसा रहता है? प्रेशर तो होता ही है, लेकिन इतना है कि हमें, चलो साथ में पढ़ने का ये फायदा है कि हम खाली नहीं बैठते, खाली दिमाग कुछ ना कुछ और भी कुछ सोचने लग जाता है. तो स्टडी के लिए टाइम निकालता हूँ बीच में, अभी भी जैसे यूनिवर्सिटी जाके, क्योंकि मेरा एनुअल है, उसकी लास्ट डेट 11 सितंबर है, और मुझे अभी वो जाके पूरा प्रिपेयर करके फिर मैं लेट फीस भर के उस पर प्रेजेंट करूंगा यूनिवर्सिटी में कमेटी के सामने. पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला में डॉक्टर कमलजीत सर के अंडर में PhD कर रहा हूँ, तो चलो इस बात की खुशी है कि पंजाब यूनिवर्सिटी का इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट का जो मुझे सहयोग रहा, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है. जैसे मैं रिसर्च कर रहा हूँ, तो वो चीजें अप्लाई होती हैं गेम में भी, कि गेम में भी हमारा शॉट क्यों खराब गया या अच्छा शॉट क्या है, उन चीजों पे हम सर्च करके सोचते हैं, एनालाइज करते हैं. तो मेरा जो PhD का काम था, उसने मुझे उस सोच ने मुझे हेल्प की यहाँ पे भी मेडल जीतने में.